डिसाइड कर लिया था मैंने कि यार अब जापान में नहीं रहना, मुझे अपने इंडिया जाना है। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बट जब मैंने कंप्लेंट वगैरह किया तो उन्होंने मुझे बुला के 55,000 मुझे वापस किया। हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि यार आप सब लोगों को पता होगा कि मेरी जॉब लग गई है और मैं जॉब करता हूँ। और मेरा जॉब का पहला डे कैसा था ऑफिस पे, मैंने उसकी वीडियो बना रखी, तो जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो जैसे कि अब मैं जॉब करता हूँ, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जॉब लेने से पहले की 3 मंथ 4 मंथ की लाइफ मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जॉब लेने से पहले मैं एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिप्रेस टाइप बोल सकते हो, कि डिप्रेशन में जाने से मैं बच गया। और डिसाइड कर लिया था मैंने कि यार अब जापान में नहीं रहना, मुझे अपने इंडिया जाना है, अपने घर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, जो भी करेंगे वहीं पे करेंगे। तो यार इस वीडियो को वही लोग देखें कि जो जापान आना चाहते हैं या जापान में हैं, और आपकी अपनी लाइफ से अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आपकी लाइफ से अपनी डिमांड ज़्यादा है, तो वही लोग देखें। क्योंकि जिनको अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो फिर वीडियो को मत देखना क्योंकि आपका टाइम ख़राब होगा। तो सिर्फ वही देखें जो अपनी लाइफ को, जो जापान आके लाइफ को सेट करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो यार ऐसा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो को देख लेना, मैनेज कर लेना टाइम को, क्योंकि ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है ना, ये यहाँ पे जापान में फॉरेनर के साथ किसी के भी साथ हो सकती है। तो यार 3 महीने नहीं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो यार जैसे जब मैंने अपना जो लैंग्वेज स्कूल था जब उसको ख़त्म किया, तो जब मैंने ख़त्म किया था ना, तो थोड़ी बहुत मैंने मतलब कि जॉब के लिए ट्राई किया था, बट वो जॉब मिली नहीं थी मुझे। तो उसका फिर मैंने सोचा कि यार सेनमन गाको जो होता है वोकेशनल स्कूल, तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आईटी ऑलरेडी किया हुआ था ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में तो मुझे लगा कि यार यहाँ की आईटी पढ़ लेता हूँ तो शायद अच्छी जॉब मिल जाएगी, 2 साल और मेहनत कर लेते हैं। तो मैं सेनमन स्कूल में एडमिशन ले लिया, और जब मैंने सेनमन में एडमिशन लिया तो मैंने ऑलरेडी सारी डिस्कस की हुई थी अपने, जो भी मेरा मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था मुझे और जिससे मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिस्कशन किया था कि मेरी डिमांड क्या है, भाई मेरा कॉलेज ख़त्म होने से पहले मुझे जॉब चाहिए, आपकी जॉब की प्लेसमेंट कैसी है, आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे सब कुछ क्लियर बताया था कि नहीं, हम आपकी जॉब को, आपको जॉब दिलाएंगे और आप टेंशन न लो। तो मुझे भी खुशी हुई। फिर यार जब सारा डिस्कशन के बाद फिर मैंने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में, और वो होता है ना कि आपको जब जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब पता लगती है असलियत उसकी कि क्या चीज़ है। तो उन्होंने तो भाई सब बड़ा बड़ा बोल दिया था कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बड़ी फेक दिया था कि हाँ जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी। और उसमें एक चीज़ और मिस्टेक थी एक बंदे की, कुछ पैसों के लालच में ना लोग क्या क्या कर जाते हैं, यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा ना पढ़ने का मन किसी और कॉलेज में था, बट वहाँ पे मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा ना कंट्री का नाम लूँगा यार कि कहाँ से, क्योंकि अपनी भी गलती होती तभी फंसते हैं हम ऐसे चक्कर में। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ने गया था, तो वहीं पे मुझे एक टीचर मिल गया और उसने दूसरे स्कूल में मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, बोला कि तेरे पास में है इसको ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तेरे पास में। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ चलो यार देख लेते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहा था उसमें, तभी जाके मैंने एडमिशन लिया था। और जब मैंने एडमिशन ले लिया था ना अपने स्कूल में, तो मैंने बड़ी तारीफ दूसरे लोगों से अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की किया था कि यार कॉलेज बड़ा अच्छा मिल गया है। फिर वही होता है ना कि जब आप अंदर जाते हैं, जब एक्सपीरियंस करते हैं, तभी पता लगता है कि उसकी असलियत क्या है। तो जब मैंने यार एडमिशन लिया, तो एक डेढ़ महीने तो निकल गया। एक्चुअली उस टाइम पे जैपनीज लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही थी, मुझे लगा चलो यार थोड़ा सा जैपनीज अच्छी होगी। फिर वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता गया, 3 महीने निकल गए जैपनीज में सीखने में, आईटी स्टार्ट ही नहीं। फिर जाके 3 महीने के बाद आईटी स्टार्ट होती है। बाद में स्टार्टिंग की पढ़ाई ऐसे लग रही थी कि अब ये माउस है, ये मॉनिटर है, ये वो दुनियादारी पढ़ाया जा रहा था, तब भी मुझे लगा चलो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ऐसे ही शायद पढ़ाया जाता होगा यहाँ पे। तो जब यार कंटिन्यूसली वैसे ही चलता गया, मतलब ना उस कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं होती थी, जो टीचरों का लेवल था ना वो बिल्कुल ही नीचे था, बिल्कुल गंदा था, उनको कुछ आता जाता ही नहीं था। एक टीचर था और वो तो बिल्कुल ही वो था, उसको मैं जो पढ़ाता था ना उसे मैं बताता ये नहीं ऐसे करना होता, फिर वो मुझसे पूछता था तूने कैसे किया, तो मैं नहीं बताता था, मुझे भी मेरा मूड खराब होता था।
तो यार ऐसे जब 3 से 4 महीने 6 महीने निकल गए यार पढ़ाई ना हो, तो फिर मुझे मतलब कि समझ में आ गया कि भाई साहब जब पढ़ाई नहीं होती है तो जॉब कैसे लगेगी। मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा अपने फ्यूचर को लेके कि यार इस कॉलेज में तो फ्यूचर बनने वाला नहीं है, तो अब क्या किया जाए। मैंने ना काफी बार जो कॉलेज का मालिक था उसको मैंने काफ़ी बार कॉल करके उससे कंप्लेंट किया कि यार आपके कॉलेज में भाई साहब पढ़ाई नहीं होती, आप टीचर चेंज करो, तो वो मेरी प्रॉब्लम सुन लेते थे। कम से कम मैंने 10-20 बार उसके साथ मीटिंग किया, प्रॉब्लम सुन लेते थे बट कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता था, टीचर चेंज नहीं करते थे वो। तो फिर यार मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई यार, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार कैसे कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो फिर मुझे लगा कि यार चलो इंडिया घूम के आते हैं एक बार, क्या पता शायद इंडिया जाके थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो। तो फिर मैंने दिसंबर में इंडिया चला गया था, मैं कह यार स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई होती नहीं है तो जाके कॉलेज वॉलेज जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बोल दिया मैं फिर चला गया इंडिया। तो फिर जब इंडिया से इंडिया गया बढ़िया घूम घाम के, और जब मैं वापस आया ना तो भाई साहब मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, लग रहा था अभी वापस चला जाऊँ। लेकिन जैसे तैसे मैंने थोड़े टाइम निकाले, जब मैं इंडिया से वापस आके ना मैं कॉलेज छोड़ ही दिया था, कॉलेज जाता ही नहीं था। तो जब मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे आना है, तो फिर ये था कि यार जैसे आप कॉलेज छोड़ देते हो या कुछ करते नहीं हो तो आपको जो वीज़ा होता है 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, आपको 3 महीने से पहले कंट्री लीव करना होता है या फिर आपको वीज़ा अपना चेंज करना पड़ता है। घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है तू वापस आ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तू अपना जॉब करना चाहता जॉब कर, बिजनेस है हमारा छोटा सा, तो बोला कि उसको भी तू कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको अपना देख। तो यार जैसे फिर मेरा प्लान ये हो गया था कि यार अब जैसे जाना तो है ही है, तो क्या करते कि जैसे 3 महीने का टाइम है तो सोचा कि यार अरबाई तो करते 3 महीने और थोड़े मोड़े पैसे कमाएंगे और जापान घूमते यार एक बार 3 महीने का टूर, जैसे टूरिस्ट वीज़ा समझ के जापान घूमता हूँ मैं, तो वो सोच लिया था मैंने। तो मैंने घूमना बहुत स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी 4 दिन अरबाई तो होती थी, बाकी दिन मैं फ्री होता था, तो बाकी हफ्ते के 3 दिन मैं बहुत घूमने लगा। तो वैसे घूमते घूमते मुझे काफ़ी नए फ्रेंड भी बन गए अदर कंट्री के, जैसे वियतनामी चाइनीज़ वगैरह। तो मैं एक जगह गया था घूमने जू में, वहाँ पे एक चाइनीज़ लड़की मिल गई थी, मैं कैमरा वैमरा एक्चुअली मैं ले रखा था, तो उसने अचानक से पूछ लिया कि वीडियो क्यों बनाते हो, तो फिर मैंने बताया ऐसे, तो फिर उसने मेरी थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ी। मैंने पूछा उससे कि क्या करते हो, तो वो वर्क वीज़ा में थी। वैसे तो मैं यार जॉब के लिए तो 6 महीना जब से मुझे पता लग गया था कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती ना, तब से ही ट्राई कर रहा था, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता था। तो उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार इतना अप्लाई करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर क्या है यहाँ पे रहना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिसाइड था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो अच्छी करूँगा, लेबर जॉब मुझे नहीं करनी। और लेबर जॉब के मेरे पास 1-2 ऑफ़र आए थे, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा। तो फिर उस लड़की ने मुझे एक कंसल्टेंसी के बारे में बताया कि ये कंसल्टेंसी से मेरी जॉब प्लेसमेंट हुई है और इस कंसल्टेंसी से आप मुझे, उसने विजिटिंग कार्ड वगैरह दिया। तो वहाँ पे मैंने बात किया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं वहाँ पे भी कांटेक्ट में रहता था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो आईटी सेक्टर में, मैंने बोल किया था कि मुझे आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो धीरे धीरे ना मेरा टाइम निकल रहा था और मेरा जॉब करने को वैसे स्टार्टिंग में था, बट बाद में जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया जाना है तो फिर मैंने मतलब कि निकल ही गया था दिमाग से कि यहाँ पर रहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई मारता था कि यार देख लेते शायद कहीं से कुछ मिलता है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फिर मैं वहाँ से ना उस कंसल्टेंसी से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, तो जैसे उस कंसल्टेंसी में गया तो मुझे फिर वहाँ से और 1-2 कंसल्टेंसी के बारे में पता चला। तो यार जब मुझे दूसरे कंसल्टेंसी का पता चला ना, तो फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले आपको जॉब दिला देंगे, बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे आईटी कंपनी में चाहिए या ऐसी कंपनी में चाहिए, अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो हम आपको इंटरव्यू करवाएंगे और इंटरव्यू आपको पास करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये था मेरे अंदर कि यार मुझे जैसे जुलाई में जाना था, यार मैंने ना मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास 4-5 महीने का टाइम था और मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मुझे पार्ट टाइम जॉब बहुत बोरिंग लगने लगी थी। यार जब मैं कंसल्टेंसी में गया तो कंसल्टेंसी से मैंने पूछा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपने कॉलेज छोड़ रखा है तो हमें एक आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हाई अकाउंट बोलते हैं उसको, मतलब कि ड्रॉप आउट सर्टिफिकेट। मैंने बोला कि यार वो तो तभी मिलेगा जब मैं कॉलेज की फ़ीस दूंगा, मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया बिना फीस दिए हुए, तो मुझे कैसे देंगे। तो उन्होंने बोला कि यार नहीं यार वो तो हमें चाहिए।
ये होगा तभी हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक टाइम के लिए लगा कि यार छोड़ो यार जॉब जॉब के लिए रहने देते, क्योंकि मुझे 3.5 लाख येन देनी थी, वो भी 1 ईयर की, और मैं 1 येन भी नहीं देना चाहता था उन्हें, क्योंकि वो बेवजह थी यार। तो यार फिर मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कॉलेज से बात करके। तो जो मेरा ऑनर था मैंने उससे कॉल किया और मैंने उससे बात किया, तो उसने भी बोला कि यार जब तक फीस नहीं जमा करेगा तब तक कैसे होगा 1 साल की। लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है तू यहाँ पे कॉलेज में आ और बैठ के बात करते हैं। यार जैसे मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे पास पैसे ऐसे तो है नहीं ना मैं दूंगा, तो फिर उन्होंने 3-4 दिन का टाइम मांगा और 3-4 दिन के बाद मुझसे वही ऑनर का कॉलेज का कॉल आता है और फिर मुझे बुलाते हैं अपने ऑफिस में और सारे लोगों के साथ में बैठ के मीटिंग होती है, मतलब कि जो जितने लोग वहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं ऐसे, तो उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि यार हमने सुना कि आप फीस नहीं दोगे तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो मैंने फिर एक चीज़ रख दी, ठीक है मैं आपको कॉलेज की जितनी भी फीस बनती है मैं आपको 1 साल की फ़ीस पे करूँगा या मैं 2 साल की फीस पे करूँगा, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ पढ़ाई को, बस मेरी एक डिमांड है आप अभी के अभी 1 हफ्ते के अंदर टीचर चेंज कीजिए और टीचर नए लेके आइए और मैं उनका पढ़ाई एजुकेशन लेवल देखूँगा और मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं 2 साल की फ़ीस दूँगा। और मुझे ये भी लिख के दो कि मैं कॉलेज ख़त्म होने से पहले पहले आप जॉब प्लेसमेंट में इंटरव्यू कराओगे, आप जॉब प्लेसमेंट जॉब लेनी ना लेनी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता, पर आप इंटरव्यू कम से कम कराओगे जो मेन है। तो उन्होंने थोड़े बाद देर बाद बोल दिया कि यार ये तो फिर ज़्यादा हो रहा है, और पहले मैंने बोल दिया कि अगर उसके बाद जैसे नहीं होता तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, मुझे अपने सब कुछ पता है, यहाँ पे जापान में मुझे भी 3 साल हो गए रहते, मुझे सब कुछ पता है एजुकेशन सिस्टम यहाँ का, तो आप देख लो क्या करना है। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाते हैं और मुझे बताते हैं कि ठीक है अच्छा तुझे जहाँ पे जॉब चाहिए तू जाके जॉब ले, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, ये रहा लेटर, ये लेटर साइन कर इसमें, मतलब वो लेटर वही था जो इमिग्रेशन को देना होता है कि उसमें मतलब कि मैं कॉलेज अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ, मुझे मैं जॉब करनी है, जॉब सर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉलेज को छोड़ रहा हूँ। कॉलेज ने उसको एग्री करके और लेटर को इमिग्रेशन में सबमिट किया। और एक बात बताऊँ आपको, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, इसी कॉलेज में मुझे जॉब मिल गई थी ऑफिस जॉब की, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना, मुझे ऑफिस जॉब मिल गई, तो वो जॉब मुझे कॉलेज का ऑनर ही प्रोवाइड किया था। उसे ये था कि यार इसको ये हर जगह कंप्लेंट करता है, क्योंकि मैंने इमिग्रेशन में भी कंप्लेंट कर दिया था, तो उनको ये लगा कि यार ये हर जगह कंप्लेंट कर रहा है, इसको जॉब देते हैं अपने ऑफिस में, ये हमारे पास रहेगा तो शायद नहीं करेगा, पता नहीं उनकी जो भी ये मतलब की मेंटेलिटी रही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए। तो उन्होंने मुझे जॉब दिया, तो जब यार उन्होंने जॉब दिया तो उसमें जॉब तो मैं कर रहा था, बट जो कॉलेज की एजुकेशन थी वो ठीक नहीं हो रही थी और मैं फिर उस तरह से खुल के बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने ना जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ने के बाद जो मेरी सैलरी बनती थी, एक से मैंने 1 महीना समथिंग किया था छुट्टियों के टाइम में, तो मेरी सैलरी 1,40,000 या समथिंग बनती थी, उन्होंने मुझे 1,15,000 दिया। और उसके बाद फिर जब मैंने उनको बोला कि मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा बनती आप लोगों ने दिया नहीं, तो वो बोलते थे कि हमने आपको सारी सैलरी दे दिया है। तो मैं 3-4 बार कॉल करने पर वो यही रिस्पांस कर रहे थे, फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, मैं कहा ये मेरा काम किया मैंने इतना, मेरी इतनी सैलरी बनती है, ये मुझे बोलते कि सारी दे रही है बट मेरी सैलरी इतनी बनती है। तो भाई साहब यहाँ के लेबर जो रूल्स है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत अच्छे हैं। तो फिर उनको जब पुलिस की तरफ से कॉल 1-2 बार आया, तो भाई साहब मेरी जो पेंडिंग थी वो सैलरी मेरी 15,000 या 20,000 समथिंग रहती थी वापस लेने के लिए, बट जब मैंने कंप्लेंट वगैरह किया तो उन्होंने मुझे बुला के 55,000 मुझे वापस किया। मैं कहा ठीक है यार इतना परेशान किया है मुझे तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिया तो क्या दिक्कत है। भाई साहब ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने ह्यूमन्स राइट पता है, जिनको पता है रूल्स रेगुलेशन यहाँ के जापान के, ये वही कर सकता है और जो सही तरीके से रह रहा है। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।